फ्रेंड्स, आज के बॉटल आर्ट में हम इस बॉटल को डेकोरेट करेंगे। आपने ध्यान देना है कि आपको कौन सा साइड सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लीन साइड है। तो चलिए बॉटल को पहले एक बेस देते हैं। इसके लिए मैं एक्रेलिक वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ और साथ में मैं इसमें फेविकॉल मिक्स करूँगी और इन दोनों को एक पेस्ट बनाऊँगी। अगर आपको थिक लगे तो आप इसमें वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसको हम मिक्स करेंगे, इसको हम बॉटल में अप्लाई करेंगे। मैं स्पंज का यूज़ करती हूँ बिकॉज इससे जो कोटिंग होती है वो बिल्कुल इवन होती है, सो एंड जल्दी काम भी होता है इनफैक्ट। तो चलिए अब इसको ड्राई करते हैं फॉर हाफ एन आवर और मोर। फ्रेंड्स, ये मैंने पहले से एक ड्राइंग की है गणेशा की, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब इस ड्राइंग को हम मास्किंग टेप की हेल्प से बॉटल में पेस्ट कर लेंगे। मैं पहले पेस्ट करके देखती हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि ये ड्राइंग बिल्कुल सेंटर में और सही पोजीशन में आ रही है या नहीं। फिर मैं इसको अनमास्क करके कार्बन पेपर लगाऊंगी एंड फिर अपनी ड्राइंग को इसमें ट्रेस करूँगी। सो दिस एंश्योर्स दैट द ड्राइंग इज एब्सोल्युटली एट द सेंटर। नाउ लेट्स ट्रेस द ड्राइंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राइंग अब इसमें बॉटल में कॉपी हो गई है। मैं कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मेरी पैलेट देख सकते हैं। और जो ब्रशेस मैं यूज़ करूँगी वो 00 और 1 नंबर के हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर कर रही हूँ ताकि जब हम गणेश जी को कलर करें तो उसमें नीटनेस आए। बैकग्राउंड में मैं ब्राउन, ब्लैक एंड रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कोई ड्राइंग डार्क रखते हैं तो आप बैकग्राउंड को लाइट रखिएगा। मैं यहाँ पर जो गणेश जी पेंट करूँगी वो येलो ऑरेंज शेड्स में होंगे, विच मीन्स इट विल बी ब्राइट। एंड अगर मैं डार्क बैकग्राउंड रखूँगी तो यहाँ पर गणेश जी मेरे उभर के आएंगे। इसलिए अगर आप गणेश जी को डार्क कलर में करने वाले हैं तो बैकग्राउंड को लाइट रखिएगा, इससे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा। हमारा बैकग्राउंड हो गया है, अब हम इसको ड्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बॉटल ड्राई हो गई है, अब हम गणेश जी को पेंट करते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं गणेश जी को ब्राइट रखने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं मैक्सिमम येलो, ब्राउन, रेड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ। और क्लोथ्स के लिए मैं ग्रीन एंड ब्लू का यूज़ करने वाली हूँ, तो इससे एक बहुत ही ब्राइट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा जिससे कि गणेश जी बहुत सुंदर दिखेंगे। ये ड्राइंग काफ़ी छोटी है और इसमें नीटनेस भी हमें लानी है, तो इसीलिए मैंने इसमें 00 और 01 का यूज़ कर रही हूँ ब्रश नंबर का, जो कि राउंड ब्रशेस हैं। एंड जब आप ड्राइंग करें तो आप बिल्कुल धीमे धीमे करें, बिल्कुल हड़बड़ी ना करें। यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं ये फास्ट फॉरवर्ड मोड पर है। एक्चुअली ये पूरा वीडियो शूट करने में मुझे ऑलमोस्ट 3-3.5 आवर्स लगे थे। तो आप बिल्कुल आराम से पेशेंटली इसको करें और बिल्कुल जल्दबाजी मत करें अगर आप सुंदर ड्राइंग बनाना चाहते हैं, सुंदर पेंटिंग बनाना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप शेयर कर रही हूँ जो कि किसी भी टाइप की पेंटिंग में बहुत यूज़फुल है। अब आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर गणेश जी की जो सूंड बनाई है वो एक्चुअली मैं वाइट कलर की बनाई, बट एट द सेम टाइम डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैंने उसमें ऑरेंज एंड ब्राउन का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से जब मैंने ईयर्स किए तो ईयर्स में पहले मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ किया, फिर डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैंने उसमें ब्राउन कलर यूज़ किया। अब किसी भी पेंटिंग में डेप्थ क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए आप आसपास अगर कोई ऑब्जेक्ट हो उसको आप देखें और किसी भी लाइट सोर्स के नीचे, बल्ब या सनलाइट के नीचे उसको देखें, तो आप देखेंगे जो पोर्शंस आगे की तरफ हैं उसमें लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो लाइट है, और जो एरियाज पीछे की तरफ हैं वो लाइट का रिफ्लेक्शन हमेशा डार्क देंगे। तो इसलिए डेप्थ क्रिएट करने के लिए आप हमेशा दो कलर्स का यूज़ करते हैं फॉर सेम पोर्शन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे उनके ईयर्स करने हैं तो मैं लाइट एंड डार्क दोनों यूज़ करूँगी ताकि डेप्थ क्रिएट हो और उससे वो एक्चुअल काम दिखाई दे। अब आपने मेटालिक गोल्डन कलर लेना है और इससे जो गणेश जी का मुकुट है प्लस उनकी जो ज्वेलरी है वो हाईलाइट करनी है। ऑल्दो पेंटिंग अच्छी लग रही थी, बट जब गोल्डन से हम उनके मुकुट और उनकी ज्वेलरी को हाईलाइट करेंगे तो वो दूर से बहुत ही सुंदर दिखती है।
आप अगर गोल्डन नहीं है, मेटालिक गोल्डन नहीं है, तो आप यहाँ पर येलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे गणेश जी ऑलमोस्ट पेंट हो गए हैं, अब हम इसका बैकग्राउंड करेंगे। तो बैकग्राउंड के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम यहाँ पर ब्लैक एंड रेड का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, पहले मैंने ब्लैक किया और उसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा रेड हाईलाइट दिया। अब बॉटल को ड्राई कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, योर बॉटल आर्ट इज़ रेडी। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आपको ये बॉटल आर्ट कैसा लगा और आप किस टाइप के बॉटल आर्ट्स आगे देखना चाहते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।